तो घुर लो, अभी मैंने एनिमे हिस्ट्री के सबसे बड़ा इवेंट को विटनेस किया, अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन पार्ट 3 पार्ट 1। देखो भाई, जितना मैं इस एनिमे से चिढ़ता हूँ कि भाई ये भकलंडों की तरह इतना कौन खींचता है अपने आखिरी सीजन को, एंड जो अभी हमने देखा है वो पूरी तरीके से एंड भी नहीं था। लेकिन खैर, इस बार इनका ये एपिसोडिक रबड़ी रोना से अच्छा इन्होंने एक पूरे घंटे का स्पेशल बनाया हुआ है जो कि दो चैप्टर्स में डिवाइडेड है, जिसमें पहला दी रंबलिंग है एंड दूसरा दी सिनर्स है। एंड हाँ भाई, अटैक ऑन टाइटन के कुछ स्पॉइलर्स होंगे इसमें, तो ध्यान देके आगे चलना। क्योंकि अगर इस मिनी मूवी को बहुत ही छोटे में समराइज करके बताऊं तो गुरु, जैसी सी कहानी है कि जिसको हम शुरू से ही हीरो मान के चलते हुए देखते आ रहे थे, पता चलता है कि फाइनल में वही असली कहानी का विलन है। सो एरेन के प्लान के अनुसार उसकी रंबलिंग रुकती नहीं है, वो पूरा मूड बना के आया है कि अगर अपनों को आजाद रखना है तो दूसरों की आजादी छीननी होगी, और इस केस में फिर से ये सर्कल कोई स्पाइरल का रूप ना ले ले, इससे अच्छा सबको ही मार देना होगा। सबको ही मार देना होगा, क्योंकि जब हमसे लड़ने के लिए कोई जिंदा ही नहीं रहेगा तो लड़ना किस बात का। एरेन अभी पूरी रंबलिंग से पूरी सिविलाइजेशन को तबाह करते हुए लाखों करोड़ों अरबों लोगों को कुचलते मारते हुए आगे बढ़ता रहता है, जहां पीछे स्काउट्स और उनके कुछ वॉरियर्स ओडिया पहुंचते हैं एरेन को रोकने के लिए। लेकिन जैसे अपने को प्लेन वाले प्लान के साथ वो निकलने की कोशिश करते हैं, रंबलिंग उनकी तरफ करीब आ चुकी होती है, जिसमें से हांजे बाकी सबको और टाइम देने के लिए उस लड़ाई में शहीद हो जाती है। एंड हम बताएं, पर्सनली वो लड़की हमको बहुत ही पसंद थी। खैर, अभी मुझको वो बात भी पता है कि हमें नहीं पता है कि क्या लेने के देने पड़ जाए, लेकिन खैर मेरी नजर से तुम देखो उसको। आगे एरमिन एरेन को नेगोशिएट करने की उम्मीद में ये रहता है, लेकिन एरेन हमेशा से ही सब कुछ सुन रहा होता है अपने वो पाथ वाले पावर के थ्रू। एंड वो सबको अपने पावर से बुलाकर उन्हें बता देता है कि तुम निसरमली को रोकने के लिए तुम्हें मुझे मारना ही पड़ेगा। और इसी दौरान फाल्को रिवील भी करता है कि मोस्ट प्रोबेबली उसके टाइटन के पास उड़ने की पावर होती है, क्योंकि जब आप किसी और कॉन्शियस टाइटन को खाते हो तो उसकी यादें भी एक एक्सटेंट तक आप में ट्रांसफर हो जाती है। एंड आगे चलते हुए लिबेरियो के रिफ्यूजी फोर्ट साल्टा की तरफ एस्केप करते हैं, ताकि वो वहां कोई एयरशिप लेकर वहां से आसमान के थ्रू कहीं पे भाग सके। मगर पता चलता है कि वहां की मिलिट्री एक आखिरी बार कोशिश करती है रंबलिंग को आसमान से रोकने के लिए, मगर एरेन अपनी पावर से 20 टाइटंस को मटेरियलाइज करके सबको मार देता है। उम्मीद सब खत्म हो चुकी होती है, मगर तभी पीछे से स्काउट्स और वॉरियर्स आ जाते हैं अपने फाइनल प्लान के अनुसार कि भाई एरेन को वहां से घसीट के निकालना है, जहां फिर पीक और राइनर ट्रांसफॉर्म होकर 20 टाइटंस को रोक लेते हैं। एंड फिर आर्मिन एक आखिरी बार पूछता है एरेन से कि तुम बताओ कि तुम खुद किस तरीके से आजाद हो, एंड मूवी खत्म। खैर, इन सबका पहला प्लान तो यही था कि आर्मिन की हेल्प से एरेन को बातचीत करके वहां से निकालने का, लेकिन एरेन पहले ही बुला के उन सबको बोल देता है कि भाग जाओ भोफड़ी के, इधर मैं खुद को बर्बाद कर रहा हूं ताकि तुम सब आबाद हो सको, पूरा बचपन तुम चूतियों के साथ बिताया है, मैं नहीं रुकने वाला। तो फिर उनके अपने फाइनल प्लान के अनुसार इन्हें इसे मारना ही पड़ेगा। लेकिन जहां पे एरेन अपने दोस्तों की वो आजादी क्यों नहीं छीनता, क्योंकि भाई वो फाउंडिंग टाइटन है, उसके पास सारी पावर्स हैं, क्योंकि वो अपने लोगों की आजादी नहीं छीनना चाहता, वो उनको पूरा कंट्रोल देता है कि भाई तुम्हें जैसे भी करना है जो भी करना है वो तुम करो। एंड अगर उसके दोस्त आते हैं उसे मारने रोकने के लिए किसी भी तरीके से, तो वो उनसे पूरी ईमानदारी से अपनी पावर्स के थ्रू लड़ेगा, पूरी जान लगाकर, बस उनसे उनकी आजादी नहीं छीनेगा। लेकिन अभी भी उस बात पे आते हैं कि ये उसको अभी डायरेक्टली मारती क्यों नहीं, क्योंकि बातचीत वाला मामला तो खत्म हो चुका है। क्योंकि यहां पे फिर केस आता है मिकासा वाली अप्रोच का, क्योंकि भाई वो एरेन को अपने कॉन्शियस के थ्रू वो मरने नहीं दे सकती, लेकिन वो एक बीच का रास्ता भी बचता है कि मोस्ट प्रोबेबली एरेन को मारने से पहले हम उसे घसीट के निकाल सकते हैं वहां से, जो कि हम सब ये बात जानते हैं कि ये Close to impossible है, क्योंकि भाई वो founding titan है, बाकी सारे titans की supreme beings की power रखता है। और जैसे हमने इतना pop culture देखा ही है कि हम सब बता सकते हैं कि लंबी कहानियों का अंत मौत से ही होता है। अब खैर, कौन कैसे क्या मरेगा वो तो आगे एनिमे में ही देख के पता चलेगा। लेकिन इसके ओरिजिनल जो मांगा राइटर थे, इसकी मास जेनोसाइड वाली कंट्रोवर्शियल एंडिंग को एक्सटेंड करते हुए उन्होंने इसे थोड़ी सी और तरीके से एंड किया है। एंड हाँ, मैं बाकी सारे मांगा रीडर्स को कमेंट्स में भाई रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि स्पॉयलर्स मत देना, हाइप बिल्ड करो, लोगों का मजा मत खराब करना। एंड अब अगर इसके मजे वाले फैक्टर की बात करें तो भाई तबीयत खुश हो गई यार, ऑलमोस्ट एक साल से ऐसा कुछ नहीं देखा था कि भाई कोई एक ऐसी कहानी है जो एकदम हार्डकोर आर रेटेड होते हुए सेक्सुक्स वाली बकचोदी से छोड़कर एक्चुअल में कहानी सीरियस ब्रुटैलिटी दिखा रही है, जो कि एक्चुअली में काफी पॉलिटिकली कॉन्फ्लिक्टिंग है। पूरे एक साल बाद इसके पार्ट 3 आया है, एंड दिल पे हाथ रख के बोलता हूं कि आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करता। इसका म्यूजिक सुन के भाई यार आत्मा तृप्त हो जाती है, यहां तक कि हैंस ज़िमर को भी प्राउड होता होगा इसे देखकर। एंड हां, कहानी नैरेटिवली भी काफी कुछ अच्छा इसमें लेकर चलती है, कुछ बहुत ज्यादा फ्लैश
फ्लैशबैक्स नहीं है, बस वो एरन के कुछ टर्निंग पॉइंट्स भी हमें इसमें देखने को मिलते हैं कि उसे ऐसा सोचना ही क्यों पड़ा कि पैराडाइज आइलैंड से बाहर सबको मारना चाहिए। लोग अपनी जिंदगी इंजॉय कर रहे थे, बाकी पैराडाइज आइलैंड वाले भी लोग धीरे धीरे तरक्की कर रहे थे, आगे कैचअप कर रहे थे लोगों से, मगर इन सारी त्रासदी को फुल एंड फाइनल एक बार फाइनल के लिए एंड करने का एक ही रास्ता एरन को दिखा कि सबको मरना होगा, एंड तभी इस हेट के साइकिल को हमेशा हमेशा के लिए एंड किया जा सकता है, जो कि इतनी सारी डेथ्स का उसके लिए भी हैंडल करना कोई आसान बात नहीं होती, क्योंकि कम ऑन यार, किसी के लिए भी आसान बात नहीं होती। और उसी मेटाफोरिकल वे में जब मेन कहानी चल रही होती है, हमें भाई एरन देखने को ही नहीं मिलता, मतलब कि टाइटन के अंदर का उसका व्यू क्या है, वो कैसे सोच रहा है, क्या एक्सप्रेशन है, बिल्कुल ही नहीं देखने को मिलता। नो भी अपन के फाइनल 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 में देखने को मिलेगा कि अभी वो कैसा फील कर रहा है, मगर यार ये जो पूरी रंबलिंग वाली फील थी कि लोग भाग रहे हैं, कितने टाइटन्स की टीम से ही मर जा रहे हैं, कितने तो टाइटन्स के आने से पहले ही खुद को मार दे रहे हैं, बच्चे बूढ़े जवान सब के सब एक एक करके कुचले जा रहे हैं, और जब वो सारे टाइटन्स गुजर जाते हैं तो दूर दूर तक बस उनके पैरों की निशानी बचते हैं और कुछ नहीं, वो होपलेस डेस्परेट मौत का सन्नाटा आप देख पाते हो। इट वॉज हेल ऑफ एक्सपीरियंस भाई, मुझे तो आज भी यकीन नहीं होता कि हमने कहां से शुरू किया था और आज हम कहां पे आ गए। मगर इन्हीं के साथ साथ अगर कमियों की बात करूं तो भाई मैं मापा की कमी दूंगा कि भाई यार तुमने पूरा शेड्यूल खराब करके रखा है, बैंचुत कौन अपना फाइनल सीजन इतना लंबा खींचता है, और फिर न्यूज आता है कि तुम अपने एम्प्लॉइज को पैसे नहीं दे रहे। खैर वो बात की बात है, फिर कभी करेंगे, लेकिन सोच सकती हूँ ये अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 मतलब ये फाइनल सीजन 2020 में चालू हुआ था, जिसमें 3 पार्ट है और तीसरे पार्ट के भी 2 पार्ट, पता चल रहा है कि किस तरीके से साउंड कर रहा है, चूतियों की तरह। अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 पार्ट 3 पार्ट 1, जो कि अभी तुम सोच रहे हो कि ये सीजन 4 पार्ट 3 पार्ट 2 ये आखिरी पार्ट होगा, तो रुक जाना क्योंकि अभी एपिलॉग फिर आएगा इनका, एंड फिर अपन चूतियों की तरह एक साल के लिए उसका इंतजार करेंगे। लेकिन खैर किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अटैक ऑन टाइटन के लिए इतना प्यार है कि हम इसके लिए इतना रुक पाए और अभी भी और रुक सकता हूं, क्योंकि अगर एक बार ये खत्म हो गया तो कहां कहीं और ही मुंह मारना पड़ेगा। वैसे तुम अपनी ओपिनियंस कमेंट जरूर बताना कि तुम्हें ये पूरा ये एपिसोड मिनी मूवी कैसा लगा, कमेंट्स अपनी ओपिनियंस में जरूर बताना, और पर्सनली अटैक ऑन टाइटन तुम्हें क्या फील होता है। एंड यस मांगे रीडर्स बोलना चाहूंगा, स्पॉइल मत करना, हाइप बिल्ड करो, मजे करो, अपन देखेंगे। इन्हीं बातों के साथ साथ हेरा फेरी 3 यानी कि 4 की अपकमिंग मूवी के ऊपर भी अपन ने बात की है, जो कि आप मेरी ये वाली वीडियो को जरूर चेकआउट करना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।